हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए फिर से संडे के ब्लॉग में हाजिर हैं। तो आज कुछ डिफरेंस, कुछ अलग होने वाला है। जैसे कि हम लोग आप लोगों को हर संडे ब्लॉग में कुछ अलग डिफरेंस सा दिखाएंगे, तो आज भी आप लोगों के लिए कुछ अलग सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो माशाल्लाह सुबह देखिए कितनी प्यारी है। हम लोगों ने जो है मनी प्लांट में थोड़ा सा अपना पानी वानी भी दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं, आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितने अच्छे बर्ड्स वगैरह उड़ रही हैं। चाय हमारी रेडी हो रही है, चाय वाय निकालनी है। देखिए अब हम लोग चाय पी चुके हैं, थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। भूख बहुत तेज़ लगी है, तो आज सोचा कुछ अलग बना के खा लिया जाए। तो मैगी, हम लोगों ने सोचा मैगी ही बना लेते हैं। तो आज मैं और भाभी मैगी खाएंगे, बाकी सबका जो मन होगा वो खा लेंगे अपना, लेकिन हम और भाभी आज मैगी खाने वाले हैं। तो मैगी हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, तभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। आज हम लोगों ने सोचा मशीन लगा लेते हैं, कुछ कपड़े वपड़े धुल लिए जाए। तो ये देखिए कपड़े हमारे धुल चुके हैं, सूख चुके हैं। अब हम इन्हें छत पे सुखा लेंगे, थोड़ा सा जो रह गए नमी इसमें। घर की पूरी क्लीनिंग हो रही है, भाभी सफाई कर रही हैं, मैं भी सफाई कर रही हूँ, घर की साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, बर्तन बर्तन भी हमारे सब क्लीन हो गए हैं, किचन क्लीन। तो आइए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं जो डिफरेंट हम लोग आज करने वाले हैं, कुछ अलग सा। तो आज हम लोग अपने प्लांट्स में कुछ अलग सा करने वाले हैं, कुछ सब्जियां हम लोग उगाने वाले हैं अपने गार्डन में। जैसे कि कुछ हरी मिर्ची और हरे धनिया के पौधे हम लोग उगाएंगे घर पे। फ्रेंड्स ये मैं पहली बार कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी घर पे कोई भी सब्ज़ी या किसी भी सब्ज़ी का कोई भी पौधा नहीं किया है। ये कुछ अलग सा हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। तो आज के ब्लॉग में कुछ नया यही है, कुछ डिफरेंट सा इसी को हम लोग करने वाले हैं। कुछ हरी धनिया हम लोग उगाएंगे और कुछ हरी मिर्च। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हरी मिर्च के कुछ बीज हमने इसमें बो दिए हैं। अब हमने ले लिया है ये छोटा सा डब्बा, अब हम इसमें छेद करेंगे। गैस से गर्म करके हम इसे छेद कर लेते हैं। ये देखिए होल इसमें हो चुका है। अब हमने कुछ खड़ी धनिया ली है जो किचन में मिल जाती है आसानी से, इसको हम थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको हल्का सा क्रश करना है, बस इसको ऐसे क्रश करना है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, ज़्यादा क्रश नहीं करना है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, इस पर एक छोटी सी ईटा रख के इसमें मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने के बाद जो धनिया हमने ली थी उसको हम ऊपर से डाल देंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ी मिट्टी और डाल देंगे। हल्के हाथों से एकदम धीमे से हमें इसे प्रेस कर देना है, ज़्यादा नहीं दबाना फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर हम तो हमने हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ये देखिए मेरा भांजा छोटे छोटे हाथों से कैसे मिट्टी ले रहा है और थोड़ा हेल्प कराने लगे हमारे साथ में। ये देखिए पूरा पौधा ही हमारा ख़राब करेंगे ये तो। अब हम इसे बॉटल की मदद से हल्के हल्के से स्प्रे बॉटल से इसमें पानी देंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं देना, नॉर्मल सा ही पानी देना है। अब हम कुछ अपने प्लांट्स की कटाई छटाई कर लेते हैं, कुछ गुड़ाई हो जाएगी इसी बहाने, थोड़ा सा हमारे प्लांट भी खुश हो जाएंगे। पौधों की कटाई छटाई गुड़ाई ये हर हफ्ते में एक बार तो कर ही लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हमारे पौधे तरोताज़ा अच्छे रहते हैं। और ये देखिए साइड में हमारे कितने अलग अलग तरह के पौधे निकल आते हैं, घास फूस निकल आती हैं। ये सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए, ताकि गमले क्लीन रहें और प्लांट भी हमारे अच्छे से ग्रो करें। ये देखिए ये सारे हम हर गमले में से अपने निकाल देंगे, ताकि ये अच्छे से जो है ग्रो करते रहें, सारे प्लांट मेरे जीते जाते रहे, खुश रहे। सबको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे।
प्लांट कहते हैं ना फ्रेंड्स कि बच्चों की तरह पाला जाता है, पौधों को भी, पौधों को बहुत ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। तो इनकी केयर अगर ना करो तो फिर वही हाल है, जैसे बच्चों की केयर ना करो और वो बिगड़ जाते हैं, उसी तरह से अगर हम प्लांट की केयर ना करें अच्छे से तो वो एकदम ख़राब होने लगते हैं, फिर उसे लगाने ना लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए कहते हैं अपने प्लांट्स को अगर लगाओ तो बिल्कुल दिल से, मोहब्बत से और मेहनत से, वरना पौधे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। और मुझे प्लांट्स का बहुत ही शौक था, इसलिए हमारे प्लांट्स सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपना शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम छोले और पूड़ियाँ बनाने जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले में हमने कुछ चाय पत्ती का पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें हल्का सा नमक और ज़रा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 सीटी ले लेंगे। छोले हमारे अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ हम खाना रेडी कर रहे हैं अपना, प्याज वगैरह मसाला भून के इसमें हम छोले तैयार कर लेंगे। शाम का खाना हमारा अच्छे से रेडी हो रहा है। फ्रेंड्स आज काम थोड़ा ज़्यादा था घर पे, जो भी प्लांट्स वगैरह में सारा टाइम निकल गया, और फिर दोपहर हो गई, जोहर का टाइम, दोपहर का टाइम हम आप लोग नहीं दिखा पाए, लंच टाइम डायरेक्ट शाम का आ गए, क्योंकि शाम में ही हम लोगों को सारा दिन इतना काम रहा कि इतनी थकावट हो गई। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ ही सकते हैं, संडे का व्लॉग रहता है और फिर सारा दिन का व्लॉग शूट करना पड़ता है सुबह से शाम तक, और इतने काम भी रहते हैं, काम के साथ साथ व्लॉगिंग करना, जो व्लॉगर होगा वो समझ सकता है। यहाँ पे हम लोग पूरियों का आटा लगा लेते हैं, अच्छे से हम लोग पूरियों का आटा टाइट सा लगा लेते हैं, ताकि खूब अच्छी सी फूली फूली पूरियाँ हमारी तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारा आटा लग चुका है पूरियों का। अब हम अपने छोलों में छौंका लगा देते हैं मिर्च का। ये देखिए क्या छोले बने हैं, मुँह में पानी ही आ जाए। अब हम लोग पूरियाँ तैयार करने जा रहे हैं, सबको भूख बहुत लगी है, बच्चों को, तो बच्चों को हम लोग अभी दे देते हैं। आज वैसे भी बहुत काम था तो लेट हो गया है डिनर में हम लोगों को, आज कटाई छटाई और पेड़ों के देखभाल में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, तो बच्चों को तो फटाफट से निकाल के दे ही दिया। तो देखिए छोले पूरी हमारे फ्रेंड्स रेडी हो रही हैं, कितने अच्छे छोले पूरी बने हैं। इसका फुल रेसिपी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।